सब्सक्राइब कर दो हमारा यूट्यूब चैनल जीपी एडवाइस और दबा दो इस बेल आइकन को लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। हेलो दोस्तों, आज सभी का हमारे और आपके यूट्यूब चैनल जीपी एडवाइस में बहुत स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान के बच्चों के लिए एक अपडेट निकल के आ रहा है गवर्नमेंट की तरफ से। राजस्थान के एजुकेशन मिनिस्टर ने ऑफिशियली अनाउंसमेंट करी है कि राजस्थान में जो क्लास नर्सरी से लेकर क्लास 12 तक के बच्चों के एग्जाम किस तरीके से होंगे। तो सबसे पहले मैं आप बता दूं कि जो क्लास 5th तक के बच्चे हैं राजस्थान के अंदर, उनको डायरेक्ट प्रमोशन मिलेगा। उसके बाद में आती 6 to 8 के एग्ज़ाम होंगे 6 अप्रैल से, 6 अप्रैल से लेकर 22 अप्रैल तक इनके एग्ज़ाम चलेंगे। उसके बाद में जो 9th से 11th के बच्चे हैं उनके एग्ज़ाम चलेंगे 15 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक। और जो नया एकेडमिक सेशन है वो 1 मई से स्टार्ट होगा राजस्थान के अंदर। राजस्थान के जो CBSE बोर्ड है उनके ऊपर ये रूल नहीं लगेगा, ये सिर्फ RBSE बोर्ड वालों के लिए लगेगा। CBSE उसको ऐसा फॉलो कर सकती, लेकिन अगर CBSE उनको परमिट करती तो एडमिशन 1 अप्रैल से ओपन हो जाएगा स्कूल्स के अंदर, लेकिन जो एग्ज़ाम्स वगैरह है वो अप्रैल के मिड में होंगे। ये ऑफिशियली राजस्थान बोर्ड ने कह दिया है, राजस्थान के जो एजुकेशन मिनिस्टर उन्होंने भी बोल दिया है। ये जो रूल बने वो राजस्थान बोर्ड के लिए बने हैं, ना कि CBSE स्कूल्स के लिए। CBSE स्कूल अगर चाहे तो फॉलो कर सकता है, लेकिन CBSE बोर्ड की तरफ से परमिशन लेनी पड़ेगी। तो सभी राजस्थान के बच्चों के लिए ये बड़ा अपडेट निकल के आ रहा था अभी थोड़ी देर पहले, मैंने सोचा इंपॉर्टेंट आप सभी बता दूं। अगर गाइस आपको अभी भी कोई क्वेश्चन है इस अपडेट के रिगार्डिंग तो फ्रीली मुझे कमेंट करके बता देना, मैं इसके ऊपर एक और वीडियो लेकर आ जाऊंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है, राजस्थान के ऊपर मैं काफ़ी कम वीडियोस बनाता हूं, लेकिन पूरा कंफर्म होता तभी बनाता हूं। तो अगर आपको राजस्थान के ऊपर और भी वीडियोस चाहिए तो इस वीडियो को शेयर करो, जिससे राजस्थान के ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, तो मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आऊँ राजस्थान बोर्ड के ऊपर। तो दोस्तों, वीडियो में इतना ही, अपने फैमिली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आ सेफ रहो।